तो देखो भाई लोग, आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं एक ऐसी सीरीज के बारे में जो कि वन ऑफ माय फेवरेट है एंड आफ्टर लॉन्ग टाइम उसके सीजन 6 को रिलीज किया गया। एक चीज और बोलूंगा कि भाई अब इस सीरीज को रिव्यू की आवश्यकता नहीं, लेकिन कुछ भाई लोग अपने बोल रहे थे कि भाई इसका रिव्यू करके आप बता दो, तो मैं सोचा कि चलो भाई वीडियो बना ही लेते हैं। तो देखो भाई, जिस सीरीज के बारे में बात करने वाला हूं उसका नाम है ब्लैक मिरर, जो कि सच में एक काफी तगड़ी सीरीज है। अगर मैं थोड़ा सा बेसिक ज्ञान दूं आपको तो बता देता हूं कि ये एक एंथोलॉजी सीरीज है। मींस जितने भी आपको सीजन देखने को मिलेंगे या फिर जितने भी एपिसोड्स देखने को मिलेंगे उनका एक दूसरे से कोई भी कनेक्शन नहीं है। आप इस सीरीज को कहीं से भी उठा के देखना शुरू कर सकते हो, किसी भी एपिसोड को उठा करके कभी भी देखना शुरू कर सकते हो। हर एक एपिसोड में आपको एक नई कहानी देखने को मिलेगी और जितने भी एपिसोड आपको देखने को मिलेंगे उनके जो लेंथ है आपको एक घंटे के आसपास देखने को मिलेगा। सीजन 6 की अगर मैं बात करूं तो टोटल 5 एपिसोड आए हैं जिनको मैंने देख के पूरी तरीके से खत्म कर दिया है। इसमें से अगर मैं अपने एक्सपीरियंस की बात करूं तो भाई कुछ एपिसोड मुझे काफी ज्यादा तगड़े लगे हैं तो कुछ ने डिसअपॉइंट किया है। एंड ऐसा आपके साथ भी हो सकता है क्योंकि ये एक एंथोलॉजी सीरीज है, हर एक एपिसोड पसंद करना टेस्ट के ऊपर डिपेंड करता है। एनीवे, अगर बात करें कि मुझे कौन सा एपिसोड सबसे तगड़ा लगा तो देखो जो लास्ट का एपिसोड है इस सीजन का भाई वो काफी ज्यादा जबरदस्त है, जिसमें आपको डीमन्स रिलेटेड सारी चीजें देखने को मिलती। बाकी जो एपिसोड 1 है वो भी मुझे काफी ज्यादा इंटेलेक्चुअली कह सकते हो कि अच्छा लगा है, क्योंकि जिस हिसाब से उसकी स्टार्ट की जाती है एंड सडनली जब उसका सस्पेंस आता है तो वहां पर मैं देख करके थोड़ा सरप्राइज हो गया था एंड उसने मुझे आसानी से हुक कर लिया कि भाई सच में हुआ क्या है उसके साथ। एंड फिर जैसे जैसे उस कंप्यूटर के बारे में चीजें पता चलती है वो देख करके मजेदार लगती है। बाकी जो अदर एपिसोड है वो भी ठीक ठाक है, जिनको आप देख करके अपना टाइम पास कर सकते हो। इसका सीजन 6 है वो केवल फैंस के लिए ही बनाया गया है और इनके से अगर आपने इसके किसी भी सीजन को देखा होगा या फिर कभी भी नाम सुना होगा तो डेफिनेटली आप इसके सीजन 6 को भी देखोगे तो आप इसको एंजॉय करोगे। मुझे नहीं लगता कि इस पर बहुत ज्यादा बोलने की आवश्यकता है। अगर आपने ब्लैक मिरर का कोई भी सीजन नहीं देखा है तो मैं आपको फिर से रिमाइंड कर देता हूं कि ये एक एंथोलॉजी सीरीज है जिसको आप कहीं से भी देखना स्टार्ट कर सकते हो, किसी भी एपिसोड को कभी भी देख सकते हो, कोई भी आपको कनेक्शन देखने को नहीं मिलता। एंड जो सीजन 6 आया है सेम चीज इस पर भी लागू होती है। भाई अगर आपको एंथोलॉजी सीरीज देखना पसंद है तो मैं डेफिनेटली आपको हाईली रिकमेंड करूंगा कि इस सीरीज को मिस मत करना, क्योंकि इसमें जो आपको एपिसोड्स देखने को मिलेंगे, जो कहानियां देखने को मिलेंगी वो बहुत ज्यादा टेरिफाइंग है, थ्रिलिंग है और कुछ आपको ऐसे ऐसे सस्पेंस दिखाए जाएंगे जो कि मतलब बुद्धि खोल देंगे। तो एक हिसाब से जो एंथोलॉजी फैंस होते हैं उनके लिए ये सीरीज काफी बढ़िया तरीके से वर्क करती है। डेफिनेटली अगर आप उसमें से एक हो जो कि आपको हर एक एपिसोड में एक नई कहानी देखने को मिले, ये वाला जो टेस्ट है आपको पसंद आता है, तो मैं रिकमेंड जरूर करूंगा कि भाई इसको मिस मत करना। हिंदी में मिल जाती है, इसकी हिंदी डबिंग जो है काफी कमाल करके नेटफ्लिक्स आपको प्रोवाइड करता है। इसके सीजन 6 की रेटिंग रहेगी मेरी 7.8 आउट ऑफ 10 स्टार। तो अगर आपने इसको देख लिया तो मैं समझता कि आपको कितना पसंद आया है। वीडियो चली गई तो इसको लाइक करना, सब्सक्राइब करना। देखने के लिए मैं फिर से मिलता हूं।